हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि सी टाइप कनेक्टर को कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं सेफ तरीके से बिना कनेक्टर को जले। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप जरूर देखिएगा। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इस कनेक्टर को करने वाले हैं रिप्लेस, और देखते हैं कि सेफ तरीका क्या है और इसको कैसे बहुत इजी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से कैसे हम इसको पे काम करते हैं। तो चलिए फटाफट, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, इसके चारों तरफ आपको फ्लक्स को इंजेक्ट कर लेना है। तो हम चलिए सबसे पहले इसको हम फ्लक्स को इंजेक्ट कर लेते हैं। आपको इसके चारों ओर आपको फ्लक्स इंजेक्ट कर लेना है गाइज। सेफ तरीका बताएंगे और बहुत फास्ट तरीका, और हम ये तो नहीं बोल सकते कि न्यू ट्रिक है कि क्या है, सबका अपना अपना मेथड है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इसको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चारों तरफ इसके फ्लक्स को इंजेक्ट कर देते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको, मैंने काफ़ी सारे कनेक्टर प्लास्टिक कंपोनेंट, सीम कैसे, कनेक्टर कैसे निकालते हैं, माइक कैसे रिप्लेस करते हैं, ये सारा वीडियो मैंने कवर किया हुआ है। तो नहीं देखा आपने तो जाइए देखिए और बताइए कि कैसा आपको लगा है। चलिए अब जो इसका एयर आपको रखना है गाइस, और एयर आपको रखना है 40, और जो इसका हिट रखना है गाइस उसको रखना है आपको, यहाँ पे मैं बता दूँ, हिट रखना है आपको 300। चलिए तो ये सेफ तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सारा आपका कोई भी कॉम्प्लेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। जिस तरीके से मैं SMD को मूव कर रहा हूँ गाइस, उसी तरीके से आप SMD को मूव करेंगे। जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी मूव करना है। तो देख सकते हैं आपका कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं चलेगा, जैसा कि कोई भी प्लास्टिक कॉम्प्लेंट या फिर आप जब इसको लगा रहे हो तो भी आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे मैं SMD का नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ गाइस, सेम टू सेम आपको SMD का नोज़ल वैसे ही यूज़ करना है जैसा कि मैं यहाँ पे नोज़ल को यूज़। तो जैसे ही वो आपका रिमूव हो जाएगा गैस, तो आपको सीधा फटाक से डिसोल्डर लेना है। डिसोल्डर लेने के बाद आपको ऐसा चारों तरफ चला देना है, और इसके जो यहाँ पे बॉल देख रहे हैं आप, इसके इसको भी क्लीन कर लेना गाइस। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारे बॉल यहाँ पे क्लीन बेसिकली हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगा, और ये क्यों करना है ये आपको मैं अभी बताऊंगा गाइस कि क्यों आपको करना है। तो चलिए ये देखिए फटाफट ये हमारे बॉल, इसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, एक बॉल बचा हुआ है। तो जैसे ही हमारा बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी हमारे चारों बॉल एकदम क्लियर कट दिखने चाहिए। तो ये हमारे चारों बॉल क्लियर हो गए गाइस, ये देख सकते हैं आप। तो जैसे ही हमारे ये क्लियर हो जाए, अब इसको आप वॉश कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं वॉश। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका ये जो फ्लक्स है यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ये आपका डैमेज होने का चांस बना रहेगा गाइस। तो चलिए इसको मैं कर लेता हूँ वॉश। बहुत कम समय में आप इसकी CC को चेंज कर लेंगे गाइस। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से क्लीन हमारा ये हो गया है। अब इसमें क्या करना है गाइस, ये देखिए प्रॉपर तरीके से क्लीन हमें चारों बॉलों को भी क्लीन कर लेना है, जिससे क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट इन तक आप जरूर देखें, और ऐसे ही वीडियो में आप बने रहें गाइस। जब आप इतना प्रोसेस कर लोगे गाइस, तब आपको क्या करना है, हल्का सा PPT और हल्का सा फ्लक्स। तो मैं बार बार मेंशन करता हूँ, PPT आपको 138 यूज करना है, और जैसे आप उसको लगा दोगे गाइस, तब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको हल्का सा सोल्ड कर देना है। ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे आपका बहुत फास्ट तरीका है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जेन्युइन तरीका है और बहुत फास्ट तरीका है। तो मैंने हल्का सोल्ड कर दिया, अब इसको हम कर लेंगे क्लीन। तो गाइस वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैंने सारे कनेक्टर्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, और इसको हल्का सा वॉश कर लेंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं हल्का सा क्रॉस करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना इजी तरीके से लग गया। अब बेनिफिट्स हमने इसलिए बोला था आपको, होल्स के होल्स को आपको चारों क्लीन कर लेना है। ये कनेक्टर है गाइस जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस कनेक्टर को क्या करना है, ऐसे आपको सेट कर देना है। तो देखिए आपने जब होल्स को जब आपने क्लीन किया गाइस, तो उसका बेनिफिट्स ये होगा कि जैसे आप इसको लगाओगे तो आप यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ये गाइस लग जाएगा। आपने जैसे ही थोड़ा सा पुश किया, वो अपने से ही मेल्ट हो गया, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेंट नहीं जला। और देख सकते हैं गाइस अब ये हमारा सोल्ड हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग आयरन भी लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे सोल्ड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी क्रॉस करके आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने चारों तरफ यहाँ पे PPT लगा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर आपके पास राना है तो आप राना यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अभी राना अवेलेबल नहीं था, तो हम PPT ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आयरन लूँगा, और आयरन लेने के बाद देखिएगा फटाक से ये सारे सोल्ड हो जाएंगे, इसलिए देखिएगा
ये देखिए बहुत ही बेस्ट तरीका है गाइस। इससे क्या होगा कि ये नीचे तक मेल्ट हो जाएगा। अगर रांगा क्या होता है कि रांगा आपका केवल वही मेल्ट करता है, और ये आपका क्या होगा कि गाइस ये आपका नीचे तक सोल्ड होकर के ये देख सकते हैं मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रांग गाइस, ये कुछ नया है, कुछ यूनिक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये तो गाइस ये देख सकते हैं जेन्युइन तरीका, और ये बेस्ट एंड बेस्ट तरीका इसलिए हुआ क्योंकि अब ये देख सकते हैं फ्लक्स हमारा बहुत इजी तरीके से और सेफ तरीके से। देखिए गाइस, ये जो मैंने मेथड यूज किया गाइस, हमें थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। ये इससे क्या होगा कि आपका बहुत जो अंदर तक, क्योंकि फ्लक्स जब जाएगा हमारा, जब वो यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वॉश कर लूँ। तो देखिए गाइस कितना परफेक्ट तरीके से हुआ है और ये अंदर तक चला गया है। अब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ये देखिए गाइस, चारों तरफ एकदम परफेक्ट तरीके से सोल्ड, और रांगा क्या होता है अंदर तक नहीं जाता है। तो ये तरीका थोड़ा सा बेस्ट लगा होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और ये कहीं पे भी नहीं जला है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली तरीके से ये भी सोल्ड है और चारों तरफ से ये भी हमारा सोल्ड हो गया गाइस। तो ये कुछ आपको नया तरीका लगा होगा, पर रांगा से बेस्ट हमारा है PPT 138। तो ये गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।